नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। आज फिर से वर्चुअस ग्रूम का एक रीजनिंग का बहुत जरूरी सेशन लेकर आए। इनइक्वालिटी का ये पार्ट 6 है। पहले के 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके उन्हें देखिए, जहां पर डिटेल में बाकी सारे जो सब टॉपिक्स हैं वहां पर मैंने कवर किए हैं। 5 पार्ट के अलावा कल मैंने आपको एक स्पीड क्विज भी करवाया था, जिसमें हर सवाल पे 20 सेकेंड का समय दिया था और हमने 10 सवाल, और वो 10 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे क्योंकि 2018 में पूछे गए सभी के सभी सवाल आपको करवाए थे। आज ये इनइक्वालिटी का फाइनल सेशन रहेगा और इसके बाद इनइक्वालिटी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिलोगिज्म। ठीक है, तो आज का आखिरी पार्ट है। कुछ सर्टेन टाइप के सवाल बचे हैं जो मैं अभी तक आपको करवा नहीं पाया हूं, वही आज के सेशन में लेंगे। लैंग्वेज बेस्ड रहते हैं ये सवाल, तो देख लेते हैं क्या टाइप रहते हैं। छोटा सेशन रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, बस यहां पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बहुत ही रिलेवेंट सवाल है, क्योंकि अभी आपका कल ही जो IBPS क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ उसमें इनइक्वालिटी का ये एक सवाल आपसे पूछा गया था, आपके सामने। देखिए सवाल किस तरह दिया गया है, फॉर्मेट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शुड रिप्लेस, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, शुड रिप्लेस डॉलर एंड हैशटैग रेस्पेक्टिवली इन द गिवन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू मेक द एक्सप्रेशन। दो एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं, डेफिनेटली ट्रू, मतलब हिंदी में भी समझा देता हूं आपको। दो आपको एक्सप्रेशन दिए गए हैं, एक तो है टी ग्रेटर इक्वल यू और एस ग्रेटर जे। बोला गया है कि ये दोनों सही है, ये दोनों क्या है, सत्य है। अब नीचे एक बड़ा स्टेटमेंट, एक बड़ा कथन दिया गया है जिसके अंदर दो चिन्ह आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हैशटैग का और दूसरा डॉलर का, और नीचे आपको दिए गए हैं 5 ऑप्शन। ये 5 ऑप्शन क्या है, ये बोल रहा है कि इन दोनों चिन्ह की जगह अगर ये दोनों साइन आते हैं, ये जो दोनों आपको सिंबल, सॉरी, जो दोनों सिंबल आपको दिए गए इनकी जगह ये चिन्ह, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रखा जाए जिससे कि ये दोनों के दोनों कंक्लूजन, दोनों के दोनों जो आपको ऊपर दिए गए निष्कर्ष क्या होने चाहिए, सत्य होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं। सर पहला क्या है, टी ग्रेटर इक्वल यू, मतलब कहां से कहां जाना है, टी से लेके जाना है यू तक। सर टी से एल पहुंच गए, एल से पी पहुंच गए, पी से एन पहुंच गए, एन से जे भी पहुंच गए, अब जे से हमें यू तक भी पहुंचना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ये क्या बताया गया है, ट्रू होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही होने के लिए तो पहुंचना जरूरी है। इसका मतलब यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये वाला गेट हो या ये वाला गेट हो, सॉरी तीन पॉसिबिलिटी, या फिर ये वाला गेट हो, इन तीनों में से कोई भी गेट होगा तो ये यू तक पहुंच जाएगा। अब सर सिर्फ यू तक पहुंचना ही नहीं है, हमें फाइनल गेट भी क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल का, ग्रेटर इक्वल का फाइनल गेट चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है, यहां पर ये वाला साइन तो नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि इसके लिए कंडीशन क्या रहती है कि सभी के सभी गेट क्या होने चाहिए, ग्रेटर इक्वल के। तो आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो ग्रेटर इक्वल ही आए यहां पर, या फिर इक्वल आए, इन दोनों में से कोई भी आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो इसके बेसिस पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। सर पहले के अंदर ये लेस इक्वल है, ये बाहर, इसमें भी लेस इक्वल है, ये बार, ये भी बार। अब पीछे आपके पास चेक करने के लिए बचते हैं डी और ई। अब दूसरा क्या था सर, एस ग्रेटर जे, एस कहाँ है आपका, ये रहा एस, ये कहां पर है, ये रहा जे। तो इसका मतलब एस से जे पहुंचना जरूरी है, एस से जे पहुंचना जरूरी है। तो देख लेते हैं सर, पहले ही हैशटैग आ गया, हैशटैग आ गया है। अब यहां पर लेस वाला गेट भी चलेगा, लेस इक्वल वाला भी चलेगा और इक्वल वाला भी चलेगा, इन दोनों में से कोई भी गेट रहेगा तो ये एस से आगे जा पाएगा। ठीक है सर, एस से ए पहुंच गए, ए से यू भी पहुंच गए, यू से आगे जे जा पा रहे हैं क्या, ये जल्दी से चेक के बताइए, चेक करके बताइए। अब सर यू से जे जाना भी जरूरी है, और यू से जे कब जा सकते हैं, जब लेस का गेट हो, ग्रेटर इक्वल का गेट हो, या फिर क्या हो, इक्वल का गेट हो, यही तीन पॉसिबिलिटी बनती है। अब सर ऊपर अगर आपको याद हो, डॉलर के लिए दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बची थी, कौन सी, एक तो ग्रेटर इक्वल की और इक्वल की, ग्रेटर इक्वल की और इक्वल की। अब ये दूसरे के लिए चेक करने के बाद नई तीन पॉसिबिलिटीज और आई है कि इन तीनों में से होगा। अब सर यहां पर कहीं पे ग्रेटर इक्वल तो कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन कौन कौन सा आ रहा है, एक तो इक्वल कॉमन आ रहा है, यहां पर भी क्या आ रहा है, इक्वल कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब आपका डॉलर वाला तो जो गेट है वो फाइनल हो चुका है, कौन सा है आपका, साइन फिट हो चुका है अपना, कौन सा है, इक्वल का। इसका मतलब ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, चेक करने की जरूरत नहीं, और कहीं पर भी इक्वल वाला ऑप्शन का नहीं है। और फिर इसके अकॉर्डिंग ये हैशटैग का साइन कौन सा बता रहा है, हैशटैग का बता रहा है ये लेस वाला, जो हमारे बात में भी सही था कि इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए,
बिल्कुल बेटर आता है ये लेस वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। तो ये सवाल आपसे पूछा गया था आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2018 में, ठीक है। इसी तरह के कुछ और सवाल कर लेते हैं। चलिए ये एक टाइप और मैंने आपको नहीं करवाया था, जिसमें आपको एक छोटा सा सॉरी छोटा सा स्टेटमेंट लैंग्वेज के फॉर्म में दिया जाता है, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ है और बोला गया है, क्या बोला गया है कि ये जो आपको कथन, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको ट्रू बताया जा रहा है, मतलब ये क्या है, सही है। अगर ये सही है तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, बस ये पूछा गया है। तो ठीक है, ये आराम से आप चेक करके आंसर बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। पहला चेक कर लेते हैं, ओ से के जाना है, ओ कहां पर है, यहां पर वो तो दिख ही नहीं रहा है, पहले तो ऐसे गलत हो गया। एल से एम तक जाना है, सर एल से एम तक तो जा पा रहे हैं पर बीच में जो साइन है वो ग्रेटर इक्वल का बैठ रहा है और यहाँ पे आप ग्रेटर का बोल रहे हैं, तो ये भी बार। एस ग्रेटर एन मतलब एस से कहां तक जाना है, एन तक, अब इसमें भी कहीं पर सर एस नहीं दिख रहा है तो ये भी बाहर। चलिए इसमें शायद तक मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, एक मिनट रुकिए, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है इसमें, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, पर आपको टाइप तो समझ आ ही गया होगा। कोई नहीं, आगे मैंने और भी सवाल लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए। इसमें थोड़ी मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शायद तक कुछ अल्फाबेट्स मिस हो गए हैं, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट दिया गया है, वही सवाल है, बस अल्फाबेट वैल्यूज अलग अलग है, सवाल वही है। इसको उससे क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, सही बोला गया है। तो इनमें से कौन सा निष्कर्ष, कौन सा कंक्लूजन आपका सही आता है, सर पहला है एन से एल जाने का, एन ये रहा सर, एल ये रहा, देखते हैं जाने की कोशिश, एन से एल नहीं जा पा रही, यहीं रुक गया, तो ये तो यह सही बार हो गया। एफ से एस तक, सर एफ कहाँ पर है, ये रहा एफ, एस कहाँ पर है, ये रहा एस, सर एफ से टी नहीं जा पा रहे, आगे जाने का सवाल नहीं, ये भी बाहर हो गया। सी से एन सर, ये रहा सी सर, ये रहा एन, सी से एस चले गए, एस से एन भी चले गए। चलिए सर फाइनल गेट क्या चाहिए, ग्रेटर का कंडीशन, कम से कम रास्ते में एक गेट इसका आ जाए तो बात बन जाएगी। सर सी से एस जाने में ही आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आपका कंक्लूजन क्या आ गया है, सही आ गया, बाकी चेक करने की अब आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, कुछ अलग नहीं है, बस क्योंकि इनका जो फॉर्मेट होता है, किस तरह तैयार किए जाते हैं, वो थोड़ा सा अलग पैटर्न रहता है, बाकी जो चीजें आप करने वाले, जो कंसेप्ट यूज करने वाले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो कंसेप्ट तो सेम ही है, कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस जो क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करने का जो तरीका है इनका, जो लैंग्वेज के फॉर्म में देते हैं वो थोड़ा अलग था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं यूज टू करवा दिया जाए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फाइनल क्वेश्चन है सेशन का, जैसे कि मैंने आपको बोला था छोटा सा सेशन रहेगा, फाइनल इनइक्वालिटीज पे ये सेशन है। कुछ एक टाइप्स जो बचे थे जो मैं आपसे अभी तक शेयर नहीं कर पाया था, उसके कुछ सवाल लेकर आया था जिससे आप यूज हो जाए। कंसेप्ट इसमें कुछ भी नया सीखने के लिए नहीं है हमारे पास, कंसेप्ट हम इनइक्वालिटी के सारे कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन था उसके जैसे ही ये क्वेश्चन है, एक्स ग्रेटर जेड और आर ग्रेटर बी, इन दोनों को बोला जा रहा है कि ये दोनों सही है, ये दोनों क्या है, ट्रू है, और एक बड़ा कथन, एक बड़ा स्टेटमेंट नीचे दिया गया है जिसके अंदर दो क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क क्या बता रहा है, क्वेश्चन मार्क में ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब इनमें से कौन से साइन आप यहां पर फिल करेंगे, कौन से साइन यहां पर डालेंगे जिससे कि ये दोनों के दोनों निष्कर्ष सही हो जाए, ये दोनों के दोनों कंक्लूजन सही हो जाए। तो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहला क्या है, एक्स ग्रेटर जेड है, भाई निष्कर्ष पे जाएंगे सबसे पहले, दो निष्कर्ष, आर ग्रेटर भी दोनों के दोनों सही होने चाहिए। एक्स से कहां तक जाना है, जेड तक, ये रहा सर आपका एक्स, ये रहा सर आपका जेड, एक्स से एल चले गए, एल से पी चले गए, पी से एन, एन से बी, बी से जेड जाने के लिए सर ये गेट होना चाहिए, ये गेट होना चाहिए या फिर ये गेट होना चाहिए, ठीक है सर, तीन चांसेस हो सकते हैं। अब सर फाइनल गेट आपको क्या चाहिए, ग्रेटर एक का, तो वो तो सर शुरू में ही मिल गया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहां पर सर अभी तक कितने बन रहे हैं, तीन पॉसिबिलिटीज बन रही है, मतलब ये वाला बाहर, ये वाला भी बाहर, ये वाला भी बाहर, इन दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब चलिए सर आर ग्रेटर बी के लिए देख लेते हैं, आर ग्रेटर बी, आर ये रहा सर, बी ये रहा, इसका मतलब आर से बी जाना जरूरी है, आर से बी जाना तो जरूरी है। अब आर से बी कैसे जा सकते हैं, यहां पर क्या आना चाहिए, या तो लेस आए, या लेस इक्वल आए, या फिर इक्वल आए, तीन के चांस है। अब इन दोनों में कौन सा बैठ रहा है, सर ये दोनों ही बैठ रहे हैं, तो ठीक है इसका मतलब हमको अब आगे फाइनल साइन के लिए देखना पड़ेगा। अब फाइनल साइन देखने के से पहले एक बार अलाइनमेंट देख लीजिए दोनों का, यहां पर आर लेफ्ट में, यहां पर आर राइट में, तो इसको घुमा दीजिए, लिख दीजिए बी लेस आर, बी लेस आर करते ही हमारा फाइनल साइन बन गया लेस का। लेस की कंडीशन तो वही रहती है सर, एटलीस्ट की रास्ते में कम से कम एक गेट ऐसा आ जाना चाहिए, तो सर यहां तो वो गेट आने नहीं वाला, या यहां वो आ सकता है, देख के बताइए जल्दी से, यहां तो वो गेट आने नहीं वाला बी से लेके आ। चलिए इसमें एक मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, गलती तो नहीं कि एक चीज मिस कर दी हमें, एक्चुअल में फाइनल साइन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जेड से बी जाने के लिए यहां पर क्या गेट होना चाहिए, लेस का होना चाहिए,
लेस इक्वल का होना चाहिए या इक्वल का होना चाहिए। पर अभी अभी हमने सर फाइनलाइज किया है कि हमारे पास, अभी अभी हमने फाइनलाइज किया है, हमारे पास ऑप्शन में कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा। तो सर ये और ये दोनों तो उसी बेसिस पे एलिमिनेट हो गए, सीधा सीधा आपका सिर्फ इक्वल का बाकी बचा है, तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। जैसे पहले किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है, जैसे पहले किया था वैसे ही है, और आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं, एकदम नॉर्मल सा सवाल था, ठीक है। तो और ये टाइप इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका 20 जनवरी को एग्जाम हुआ था आईबीपीएस क्लर्क मेंस का, उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो चलिए लैंग्वेज बेस्ड के भी दो तीन एग्जाम्पल्स आपको करवा दिए हैं, जिससे कि आप एटलीस्ट यूज टू हो जाए, और इस तरह का कभी सवाल आए तो आपको ऐसा ना लगे कि ये नया पैटर्न कहाँ से आ गया, क्योंकि एक बार आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा, सर कंसेप्ट तो इसमें जो लगने वाली है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने की कहीं से जरूरत नहीं है। तो आपसे एक तो जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस में इनइक्वालिटी के इस टाइप के सवाल पूछे गए थे वो आपको करवा दिए, जो अपना लैंग्वेज बेस्ड का जो बचा था वो आपको करवा दिए, इससे पहले पांचों पार्ट में आपको सारी जो थ्योरी थी, जो कंसेप्ट थे वो क्लियर करवा दिए, एक स्पीड क्विज भी ले लिया आपका इनइक्वालिटी पे बेस्ड, जिसमें 10 सवाल हमने लिए थे पुराने साल के, मतलब 2018 में जो पूछे गए सवाल थे उनको हमने प्रैक्टिस किया था 20 सेकेंड का टाइमर सेट करके, ठीक है। और उस टाइम मैंने बोला भी था जो नए स्टूडेंट्स जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो खुद को 30 सेकेंड का चाहे समय दे दीजिए, स्टार्टिंग में 20 सेकेंड पकड़ में आना थोड़ा मुश्किल रहता है, पर प्रैक्टिस के साथ पहले 30 को ट्राई कीजिए, 30 जब अचीव हो जाए तब 20 के लिए ट्राई कीजिए, ठीक है। चलिए इनइक्वालिटी का सेशन आज हमारा यहीं खत्म होता है, इनइक्वालिटी का टॉपिक भी आज यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सिलोगिज्म, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो, ये ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे थोड़ा घबराते हैं, करने से कतराते हैं, या फिर शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, ये ट्रिक्स ढूंढ लेंगे वो ट्रिक्स ढूंढ लेंगे। एक बार आप मेरी सिलोगिज्म की क्लास लीजिएगा, कंसेप्ट वाइज आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा और इतना बढ़िया पढ़ा दूंगा कि जैसे इनइक्वालिटी में अब कभी आपको डाउट नहीं आएगा, अगर सारे के सारे सेशंस अच्छे से देखे हैं तो, अगर मैंने जो करवाए हैं वो सेशंस अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो इनइक्वालिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर ऐसा है कि आप पहली बार ही खोल रहे हैं इनइक्वालिटी, ये हमारा सेशन ज्वाइन कर रहे हैं और सीधा पार्ट 6 से कर रहे हैं, तो फिर आप नीचे कमेंट करेंगे कि सर कुछ नहीं समझ आया, ये आप यहाँ से यहाँ कैसे कर दिया। पर अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मतलब पहले के पांचों पार्ट अगर आपने देखे हैं, तो आपको मेरी एक्सप्लेनेशन की यहां पर जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहां पर मेरी एक्सप्लेनेशन की आपको जरूरत ही नहीं, आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो कल हम आपसे फिर से मिलेंगे रीजनिंग के एक और सेशन के साथ, और टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सिलोगिज्म। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, आपके लिए फ्रूटफुल रहे। डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।